हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए बिहार शिक्षक बहाली का हिस्ट्री का ये क्लास है, और ये आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ट हिस्ट्री की क्लास आपका ये क्लास है, आपका हिस्ट्री का 8 क्लास चैप्टर नंबर 7 और 8। जी हाँ दोस्तों, आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी सीरीज जो चल रहा है, जिसमें हम लोग क्लास 6 से शुरुआत किए थे, जिसमें ज्योग्राफी आपका पूरा हो गया है, और हिस्ट्री में आपका क्लास 8 हम लोग भी लगभग लास्ट होने वाला है। आज हम लोग 7 और 8 कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, तो लगभग 40 से 45 सवाल यहाँ पर देखेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा सवाल नहीं था, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम उसको लेकर के आए हैं, और ये आपका क्लास 9-10 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका 1 से 12 के लिए वाले भी आपको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको हिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा, और यहाँ से सवाल आपको 1 से 12 में भी आ सकता है। सामाजिक विज्ञान जो आपका 40 नंबर है, सामान्य अध्ययन 40 नंबर का पूछेगा ना, तो उसमें भी दोस्तों हिस्ट्री का सवाल रहेगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो उसके लिए भी है, लेकिन मेन रूप से आपका ये 9-10 वाले लोगों का है, सामाजिक विज्ञान का आपका। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे बिहार 7th फेज पेड ग्रुप में। जी हाँ, हमारे बिहार 7th फेज पेड ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ नोट सारा चीज उपलब्ध हो जाएगा, वहां पर जितना क्लास हुआ है पीछे वाला वो भी, और दोस्तों ये पुराने वाले भी दोस्तों। तो ये चैप्टर नंबर 7 अभी करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 भी करेंगे। तो 7 में ज़्यादा सवाल कुछ नहीं था, 19-20 सवाल लगभग है, और उसके बाद फिर दोस्तों चैप्टर नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट मेरे प्यारे दोस्तों आ जाइए सभी लोग, 9 बज गई है, और 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है, इसके अलावा 3 बजे से भी हमारी क्लास चलती है डेली। तो 3 बजे हम लोग अभी सामान्य अध्ययन का देख रहे हैं, मेन रूप से 1 से 5 के लिए, 1 से 5 और उसमें 9, 10, 11, 12 सबके लिए है, लेकिन मेन रूप से 1 से 5 वाला है आपका 3 बजे से, और 9 बजे से आपका 9, 10 वाले लोगों के लिए है मेन रूप से आपका, ठीक है। चलिए जी, तो शुरू करें आज की क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग, तैयारी चल रही है ना, तैयारी को करते रहना है, जारी रखना है दोस्तों। और आज देखिए आपका एग्जाम को लेकर के है ना, सेंटर कहाँ कहाँ होगा, ये भी एक लेटर जारी हुआ था, आप लोग देखे होंगे, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया हूँ, एक लेटर जारी हुआ है कि एग्ज़ाम जो होगा आपका तो ऑफलाइन तो होगा, ये तो आपको पता है ना, एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और सेंटर कहाँ कहाँ होगा, तो बहुत सारे जिला में सेंटर रहेगा है ना, बीपीएससी को लेकर के, और आपका जो टीचर की बहाली है उसको लेकर के। तो आपकी जो एग्ज़ाम का डेट आपको तो याद होना चाहिए है ना, 19, 20 और 26 और 27। जी हाँ, ये अगस्त की बात है, 19, 20, 26, 27 इसी डेट में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, और लग रहा है 100% की आपका हो ही जाएगा, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, जो आपका किस किस जिला में एग्ज़ाम होगा वो भी आपका यहाँ पर निर्धारित चल रहा है, ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है, तो लग रहा है कि एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा। तो बिल्कुल समय नहीं बचा है, जून देखिए आज हो गया आपका 13 तारीख है ना, तो जुलाई बचा और अगस्त बचा, यानी कि आपके पास दोस्तों 2 महीने का समय है ना, अब ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 2 महीने का, और 2-4 दिन में आपका फॉर्म भी भराना शुरुआत हो जाएगा, ठीक है, फिर देखते देखते समय आपका निकलते चला जाएगा है ना, तो तैयारी को आपको जारी रखना है, ठीक है। चलिए जी, तो शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल देखिएगा, आज की क्लास का पहला सवाल है कि टिस्को, जी हाँ टिस्को दोस्तों, ये कारखाना किस नदी के किनारे स्थित है ना, टिस्को जो कारखाना है ये किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, सरस्वती या स्वर्ण रेखा, टिस्को है दोस्तों ये आपको कहाँ पर है, तो ये जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना होती है 1907 ईस्वी है ना, जमशेद जी टाटा के द्वारा, और ये है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, जी हाँ दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध है ना, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, अभी तक 2 बार विश्व युद्ध हुआ है, और लग रहा है कि तीसरा बार भी होने वाला ही है, जल्दी ही शुरू हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1914 से लेकर के 18 तक हुआ था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है ना, यानी कि 1914 में शुरुआत हुआ था और 1918 तक चला था आपका प्रथम विश्व युद्ध, जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1939 से लेकर के 45 तक चला था आपका द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध भी याद रखना है और प्रथम विश्व युद्ध को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों आपका थर्ड नंबर, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में, जी हाँ 17वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर
प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? है ना, भारत के पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट कौन सा होगा? ये वाला पश्चिमी तट है, ये वाला आपका पूर्वी तट है ना, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ये पश्चिमी तट होगा। तो पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन था 17वीं शताब्दी में? है ना, मारवागाओ। जो दोस्तों ये जो तट है आपका गोवा में है, मुंबई तट आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, कांडला आपका गुजरात में है दोस्तों, सूरत तट आपका सूरत जो है दोस्तों ये भी गुजरात में है। ठीक है, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका सूरत तट वाला। ठीक है, सूरत तट जो है ये आपका पश्चिमी मतलब पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह था 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? बताइए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? बुकानन, जेम्स वाट, जॉन के या फिर आर्कराइट? आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था आपका, आंसर हो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा। राइट आंसर आपका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उद्योग के पनपने के बाद ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा? जी हाँ दोस्तों, कौन सा उद्योग था जिसको पनपने के बाद है ना ब्रिटेन जो था ये दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था? तो ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन उद्योग और लोहा और इस्पात उद्योग। दोस्तों तो वो उद्योग था आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग, है ना, आंसर हो जाएगा लोहा और इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, लोहा एवं इस्पात उद्योग जब वहां पनपा ब्रिटेन में तो कहलाने लगा पूरे दुनिया का कारखाना। अगला है कि कैलिको, जी हाँ कैलिको शब्द किससे संबंधित है? कैलिको जो शब्द है ये किससे संबंधित है? कालीकट से, कलकत्ता से, कर्नाटक से या कांडला से? कैलिको जो है दोस्तों ये जो है संबंधित है कालीकट, और कालीकट कहाँ है जी, है ना, कालीकट से संबंधित है आपको कैलिको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, कालीकट। ठीक है, चलिए जी कैलिको शब्द कालीकट से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा कि यूरोपीय व्यापारी धान को क्या कहते थे? जी हाँ, यूरोपीय जो व्यापारी थे ये धान को क्या कहते थे? बताइए धान को क्या कहते थे यूरोपीय व्यापारी? ऑप्शन है कैलिको, पीस गुड्स या फिर मसलिन या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? है ना, यूरोपीय व्यापारी धान को क्या कहते थे दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा सभी लोग जल्दी से, है ना, यूरोपीय व्यापारी धान को पीस गुड्स कहते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। धान जो है दोस्तों ये खरीफ फसल है, ये भी आपको याद रखना है। धान कैसा फसल है? ये खरीफ फसल है, है ना, याद रखिएगा। भारत का विश्व का सबसे प्रमुख खाद्य फसल यही है और भारत का भी सबसे प्रमुख खाद्य फसल आपका धान ही है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एक का छापेदार सूती कपड़ा कौन सा था? प्रश्न है एक का छापेदार सूती कपड़ा कौन सा था? सिटिंग था, कोसा था, बंडाना था या फिर उपयुक्त सभी था? तो एक का छापेदार सूती कपड़ा कौन था बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है नाइन नंबर है कि रिचर्ड आर्क राइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कब किया था? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, रिचर्ड आर्क राइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कब किया था? 1786, 1754, 1764 या फिर 1820 ईस्वी? तो वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्क राइट के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका दस नंबर है कि बुनकरी के लिए बंगाल का प्रसिद्ध समुदाय कौन सा था? दोस्तों बुनकरी के लिए बंगाल का प्रसिद्ध जो समुदाय था वो कौन था? मोमिन था, देवांग था, तांती था या साले था? देखिए बुनकरी का काम करता था जो प्रसिद्ध समुदाय था वो तांती समुदाय, है ना, तांती समुदाय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी करते चलना है। धौकनी किस प्रकार का यंत्र है दोस्तों? धौकनी किस प्रकार का यंत्र है? कटाई का है, बुनाई का है या हवा फेंकने का है? इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? धौकनी जो है दोस्तों एक जो मशीन है ना, ये जो मशीन है ये हवा फेंकने वाला मशीन है ना, ये हवा फेंकने वाली मशीन होती है। ऑप्शन नंबर आपका
सी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर सवाल, प्राचीन भारत में कपड़ों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र बताना है दोस्तों। प्राचीन भारत में कपड़ों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन था, है ना, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता या फिर उपयुक्त सभी। प्राचीन भारत की बात कर रहा है तो प्राचीन भारत में आपका ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, ठीक है, प्राचीन भारत में। अगला है कि ब्रिटेन को किस अवधि में दुनिया का कारखाना कहा जाता था। जी हाँ, ब्रिटेन को किस अवधि में, है ना, दुनिया का कारखाना, जब यहाँ पर लोहा और इस्पात कारखाना जब यहाँ पर दोस्तों उत्पादन शुरू हुआ तो इसको दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा, और किस अवधि में, तो हो जाएगा 1850 ईस्वी में, ठीक है, 1850 में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 14 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वस्तु के प्रयोग पर कैलिको अधिनियम लगाया गया था। बताइए, कैलिको अधिनियम लगाया गया था किस वस्तु के प्रयोग पर, लोहे पर, गाड़ी पर, सूती कपड़ों पर दोस्तों, या फिर मलमल पर। तो कैलिको अधिनियम लगाया गया था किस पर, तो सूती कपड़ा पर, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब, सूती कपड़ा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोदाम को औरांग किस भाषा में कहा जाता है। बताइए, गोदाम को औरांग, है ना, गोदाम को क्या कहा जाता है, औरांग कहते हैं, और किस भाषा में कहते हैं, अरबी, फारसी, हिंदी, पंजाबी। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, गोदाम को औरांग जो कहते थे ये फारसी भाषा में, ठीक है, किस भाषा में, फारसी भाषा में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न जी, 16 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल, बिल्कुल सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में हुई थी, और ये कब हुई थी भाई साहब, है ना, ये स्थापना कब हुई थी, है ना, सफल सूती कपड़ा मिल। तो आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सब लोग का, 1854 ईस्वी में, ठीक है, 1854 में सफल हुआ था दोस्तों। इससे पहले भी कलकत्ता में आपका सूती कपड़ा मिल लगा था, लेकिन वो कारखाना बंद हो गया था, वो असफल हो गया था, है ना, जो मुंबई में लगा था ये आपका सफल था, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस धातु की बनी थी। बाप रे बाप, बताइए दोस्तों, टीपू सुल्तान की जो तलवार थी ना, इस तलवार का वजन कितना था ना, 7 kg से ज़्यादा इसका वजन था, लगभग 8 kg इस तलवार का वजन था दोस्तों, है ना, 8 kg हाथ में लेकर के, मतलब कि तलवार को फेरना, सोच रहे ना आप 8 kg कुछ उठा करके फेर के बताइए हमको, है ना। तो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी ये किस धातु की बनी हुई थी ये बताइएगा। तो ये धातु था आपका वुड, स्टील का बना हुआ था दोस्तों, है ना, ये स्टील का बना हुआ था आपका, याद रखिएगा 7 से 8 kg के बीच आपका इसका वजन था, और इसका जो पकड़ने वाला जो होता है ना उसके ऊपर जो मतलब शेर जैसा आपका बना हुआ था उसका मुंह, ठीक है, है ना, ये काफी फेमस था टीपू सुल्तान की तलवार आपकी। अगला है कि देश में सबसे पहले इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, देश में पहला कह रहा है कि इस्पात कारखाना कहाँ पे हुआ था, है ना, ऑप्शन है जमशेदपुर, हुगसी, मुंबई, बिहार, क्या होगा इसका आंसर। तो सबको पता है कि देश में पहला जो इस्पात कारखाना हुआ था, स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी, और ये था जमशेदपुर में, किस नदी के किनारे, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जी हाँ, स्वर्ण रेखा नदी, एक नदी और था खरकई नदी, है ना, ये दोनों नदी थी, और दोनों नदी था आपका दोस्तों, ये आपका कारखाना स्थापित हुआ था आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो बताइए, जॉन के रिचर्ड आर्कराइट, अभी बताए थे ना, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा दोस्तों वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा भाइयों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए भाई साहब, तो ये रहा आपका क्लास 7 का, ना, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं था,
और अब हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं आपका क्लास 8 का, ठीक है। तो चलिए क्लास 8 वाला शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस व्हाट्सएप पर, मात्र 499 का आपको चार्ज लगेगा एक बार, ठीक है जी। एक बार फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से इस नंबर पे करके आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारे मटेरियल मिल जाएगा। जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे ताकि उनको ग्रुप में जोड़ा जा सके। पहला सवाल है आपका चैप्टर नंबर 8, जी हाँ, चैप्टर नंबर 8 का पहला सवाल है, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी, है ना। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु, तो सबसे पहले मृत्यु ही आ गया, तो इसकी मृत्यु हुई थी आपका इनकी 1833 ईस्वी में, ठीक है। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है। अगला है, राजा राम मोहन राय से ना आपको 1 से 2 सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, बताइए। अब बताइए जन्म, पहले मृत्यु ही देख ली 1833 में, है ना। इनका जन्म कब हुआ था भाई साहब, तो इनका जन्म होता है आपको 1772 ईस्वी में, ठीक है। 1772 में इनकी जन्म होती है और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ज़्यादा दिन इनका जीवन काल नहीं रहा था आपका। अगला है कि किसके प्रयास से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, जी हाँ दोस्तों, तो ये वही व्यक्ति थे, सती प्रथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है सती प्रथा। तो सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो व्यक्ति राजा राम मोहन राय ही थे। सती प्रथा पे पाबंदी कब लगाई गई थी, तो 1929 ईस्वी में, है ना, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी जी, 1830, 35, 20 या 25, क्या होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1830 ईस्वी में, है ना, 1830 ईस्वी में। 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत किया गया था, और 1830 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई, तो मैंने अभी बताया ना, 1829, 1929 या 1830 या फिर 1930। तो सती प्रथा पर रोक कब लगा था भाई साहब, 1829 ईस्वी, है ना, 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा सती प्रथा। अगला प्रश्न है आपका कि विधवा विवाह अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था, है ना, विधवा विवाह अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था। अब देखिए सती प्रथा पर तो रोक लगा दिया गया है कि नहीं, तो जो महिलाएं थी वो विधवा हो गई, अब विधवा हो गई तो ये अनुमति, मतलब कि ये कानून पास किया गया दोस्तों कि उनका, है ना, फिर से विवाह कराया जाए, पुनर्विवाह, है ना, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति का जो कानून पास हुआ वो किसके प्रयास से हुआ, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, ठीक है। इनका योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, इनमें इनका योगदान इसमें ज्यादा था दोस्तों, याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब बना था, क्या होगा, है ना, ऑप्शन क्या होगा, 5 ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या होगा जी ऑप्शन बताइएगा। विधवा विवाह पुनर विधवा विधवा पुनर्विवाह की अनुमति का जो कानून बना था ये 1828 में, या फिर आपका 56 में, या 91 में, कब बना था दोस्तों, तो ये बना था आपको 1856 ईस्वी में, है ना, 1856 में। 1829 में विधवा जो आपका सती प्रथा पर बंद किया गया, और 1856 में जाकर के जो विधवा महिलाएं हैं, है ना, उनके विवाह के लिए ये कानून बनाया गया, पास किया गया 1856 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 1856 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 8 नंबर कि परमहंस मंडली, जी हाँ, परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ हुआ था, है ना, तो परमहंस मंडली का गठन और कब और कहाँ हुआ था ये बताना है। 1840 कलकत्ता, 1840 मुंबई, 1810 कलकत्ता, 1880 लाहौर, क्या होगा दोस्तों। तो परमहंस मंडली का जो गठन हुआ था ये 1840 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना है परमहंस मंडली। अगला है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, है ना, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन आपको दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजा राम मोहन राय,
स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी केशव। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय तो किए थे आपको ब्रह्म समाज की स्थापना, है ना। स्वामी विवेकानंद किसके किए थे दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना होती है। कब होती है ये आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है, है ना। कब होती है इसकी स्थापना आपको बताना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे। देखिए वही सवाल आ गया जो मैं अभी आपसे पूछा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, है ना। एकाध सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा जो समाज की स्थापना हुई थी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, है ना, प्रार्थना समाज, तो इससे संबंधित एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, है ना। कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है, और किसने किया था ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना होती है आर्य समाज की, वो हुई थी दोस्तों 1875 ईस्वी में, है ना। 1875 ईस्वी में आर्य समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया। बाल विवाह निषेध, है ना, बच्चों का जो बाल विवाह ने बचपन में ही शादी कर दिया जाता था, है ना, उसको निषेध करने के लिए, है ना, रोकने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। और यह अधिनियम कब पारित किया गया ये आपको बताना है, 1829, 1872, 1827 या 1929। तो बाल विवाह निषेध जो कानून पारित किया गया 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका जी, कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो पारित हुआ ये आपका 1929 में हुआ था। अगला सवाल देखिएगा 12 नंबर, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था भाई साहब, घाशीराम, हरिदास ठाकुर, नारायण गौर या फिर महात्मा गांधी ने। तो है सतनामी आंदोलन चलाया गया था घासी राम के द्वारा, ठीक है, घासी राम जी के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग पार्ट टू नंबर में, ठीक है, पार्ट टू में देखेंगे, अभी आपका क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर लगभग 15 सवाल और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो पहला सवाल है पर पार्ट टू का कि परमहंस मंडली का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो परमहंस मंडली का जो उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था, है ना, इसका उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा विवाह को प्रारंभ करना, जाति व्यवस्था को समाप्त करना, सती प्रथा को समाप्त करना। तो परमहंस मंडली का जो उद्देश्य था ये था जाति व्यवस्था को समाप्त करना। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, जाति व्यवस्था को समाप्त करना। अगला प्रश्न है कि किन परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है, है ना, वो कौन सा परिवार है जिसमें, है ना, लड़कियों की जो स्थिति है दोस्तों बहुत बेहतर नहीं है, दयनीय है, उनको स्कूल तक नहीं भेजा जाता है, है ना, अच्छे खाना नहीं मिल पाता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये अमीर में तो होगा नहीं, है ना, मध्यम में भी नहीं होगा, गरीब में आपका आंसर होना चाहिए। और अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन है उपरोक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट, है ना, यानी कि गरीब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर की ब्रह्म समाज के संस्थापक। जी हाँ, तो ब्रह्म समाज आ गया आपका, और मैंने बताया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, है ना, 1830 ईस्वी में, और किसके द्वारा होती है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ होती है ये आपको कमेंट करके बताना है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ होती है जल्दी से बताइए कमेंट करके। तीन ही सवाल आपको पूछेगा, कब हुई थी, किसने किया था और कहाँ हुई थी, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी ये बताइएगा। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1887, 67, 35, 52, इसकी स्थापना जो होती है 1867 ईस्वी में, प्रार्थना समाज, है ना, प्रार्थना समाज, प्रार्थना किया जाता है आत्मा से, है ना, प्रार्थना हम लोग करते हैं आत्मा से, तो इसकी स्थापना किसने किए थे, आत्मा राम पांडुरंग, है ना, याद रखिएगा आत्मा राम पांडुरंग, है ना, प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग, यानी कि प्रार्थना हम लोग किससे करते हैं, तो आत्मा से करते हैं, तो इसका स्थापना कौन किया, आत्मा राम पांडुरंग 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये मैंने अभी आपसे पूछा था कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है भाई साहब, तो इसकी स्थापना होती है 1897 ईस्वी में,
और इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, नहीं स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस या फिर नारायण। आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना होती है 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर, रुई है ना, रुई देखे होंगे ना, रुई जो है किन पौधों से प्राप्त होता है? अब रुई किससे प्राप्त होगा, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रुई गेहूं से प्राप्त होगा? नहीं नहीं, रुई गेहूं से कैसे प्राप्त होगा जी? गेहूं गेहूं से प्राप्त होता है, है ना, गेंदा से होगा ये भी नहीं, गुलाब से भी नहीं होगा, कपास से होता है दोस्तों आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना, कपास से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि व्यापार एवं महाजनी से जुड़ी जाति को क्या कहते हैं, है ना, जो व्यापार और महाजनी से जुड़ी जो जाति है इसको क्या कहते हैं? तो वर्ण व्यवस्था में हम लोग पढ़े थे, है ना, चार प्रकार, चार भागों में वर्ण को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य जो है थे, वैश्य जो है ये महाजनी और व्यापार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, वैश्य। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, 8 नंबर है कि आर्य समाज, जी हाँ आ गया आपका आर्य समाज, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किए? तो 1875 ईस्वी में। कब किए जी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी समाज है दोस्तों, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, है ना, प्रार्थना समाज, ये सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा एक सवाल आपसे जरूर पूछ लेगा। ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था ये बताइएगा, है ना, ज्योतिबा फूले का जन्म कब होता है ये आपको बताना है, क्या होगा? ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? 1856, 1857, 1827 या 1880 या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ज्योतिबा फूले, इनका जन्म होता है 1827 ईस्वी में, ठीक है, कब होता है? 1827 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी क्रांति कब हुई थी दोस्तों, बताइए अमेरिकी जो क्रांति हुई थी ये कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, अमेरिका पर भी किसका राज था जी? तो अमेरिका पर भी ब्रिटेन का राज था, है ना, अमेरिका पर भी ब्रिटेन का राज्य था, याद रखिएगा, 13 उपनिवेशों को ये अपने अधीन किए हुए था, और है ना, तो अमेरिका पर भी ब्रिटेन का राज था। अमेरिका क्रांति कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति होती है, है ना, 1776 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूना में, जी हाँ दोस्तों पूना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, है ना, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? बताइए पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई, ताराबाई शिंदे, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेली आपके लिए 9 बजे से दोस्तों एनसीईआरटी एससीईआरटी सीरीज चल रहा है 6 से लेकर के 10 तक, तो डेली आप लोग जरूर जुड़ना है, यहाँ से आपको काफ़ी एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। और जब ये एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा तो आपको हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, चारों सेक्शन मिला करके 80 सवाल का आपको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, चारों सेक्शन मिला करके हम 80 सवाल का टेस्ट लेंगे, वहाँ पर और भी मज़ा आप लोग को आने वाला है, जी हाँ, तो ये ध्यान रखना है, है ना। अभी एनसीईआरटी हम लोग लगभग ये जून में ख़त्म हो जाएगा पूरा, है ना, जुलाई से हम शुरू कर देंगे आपका ये वाला आपका, ठीक है। चलिए तो पूना में दोस्तों एक विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था पंडित रमाबाई के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न है आपका, प्रश्न है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे पेड ग्रुप में, है ना, पेड ग्रुप जो है आपका 499 उसमें चार्ज है, है ना, हमारा नंबर है 7857824310। प्रश्न कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन, बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है दोस्तों अलीगढ़ में, उसकी स्थापना किसने किया था ये भी बताइएगा, है ना। तो अलीगढ़ आंदोलन जो चलाया गया था ये पंडित रमाबाई, सर सैयद अहमद खान, केशव चंद्र सेन, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, है ना, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए थे यही सर सैयद अहमद जी खान ही आपका, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। चलिए तो ये रहा आज का टेस्ट,
है ना 7 और 8, इसमें कुछ ज़्यादा सवाल नहीं था है ना। जब हम लोग एनसीईआरटी इसको धीरे धीरे करके समाप्त कर देंगे उसके बाद फिर हम आएंगे, तो वहाँ भी दोस्तों जितना बचा हुआ सवाल रहेगा वो आपको वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, क्लास 7 क्लास 8 चैप्टर नंबर और A7-8 का आपका हो गया, 9-10 आपका कुछ कुछ सवाल और है जो 9-10 आपका कल समाप्त हो जाएगा, 8 क्लास भी आपका, ठीक है। और उसके बाद लगभग एक सप्ताह और लगेगा आपका आपका 9-10 समाप्त करने में। तो ये रहा आज का हिस्ट्री की क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और इसका PDF दोस्तों आपको हमारे WhatsApp पर मिलेगा, जो लोग जुड़े हैं उनको WhatsApp पर मिल रहा है ना। मात्र इसमें जुड़ने का 499 ऑफर चार्ज है इसमें, है ना, मात्र 499 इसमें चार्ज है, एक ही बार आपको पे करना है ना, कोई मंथली आपको नहीं लगेगा है ना, एक बार आपको 499 का ये चार्ज लगेगा। ऑनलाइन आपको पे करके भेजना पड़ेगा है ना, कोई एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं पे करना है, ऑनलाइन पे करना है। जो भी पे करेंगे तो ये WhatsApp पर स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे है ना, जो भी पेमेंट करेंगे तो ये WhatsApp पर स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपको सारे मटेरियल प्रीवियस वाला आपको दिया जा सके, ठीक है जी। तो ये नंबर नोट कर लेना 7857-8443-10। तो ये रहा आज का टेस्ट है ना, और तैयारी आप लोग जम के करते रहिए है ना, जम के तैयारी करते रहना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी होगा बहुत टफ। और देखिए टफ क्या होगा नहीं होगा ये अभी नहीं ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो किसी को इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर एक दो बार ये एग्ज़ाम हुआ रहता तब पता चल जाता कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना, सभी लोग इसमें नए ही रहेंगे आपके है ना, लेकिन तो नए रहेंगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के आपको ये फल नहीं मिलने वाला है ना। और क्योंकि अब फिक्स कर दिया है 3 बार और ये सरकार सुनी भी नहीं, इसको बढ़ाई भी नहीं, 3 ही बार है, तो जी जान तो आपको लगाना पड़ेगा, और सभी लोग जी जान लगाए हुए हैं, और जी जान लगाए हैं तभी तो आपका इसका कटअप भी थोड़ा सा हाई जा सकता है। तो कम से कम आपको 50% प्लस आपको नंबर लाना है काट छाट के, तब कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं कि 120 में कम से कम दोस्तों 60+ आप लाइएगा है ना, 60+ 60 से लेकर के 70 के बीच में अगर आप आ रहा है तो समझिए कि रिजल्ट आपका हो जाना चाहिए है ना। लेकिन अगर आप सेफ स्कोर चाहते हैं तो 70 से 80 के बीच में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, 70 से 80 के बीच में आपका सेफ स्कोर रहेगा। 70 से 80 अगर काट छाट के आपका आ जाता है 120 में है ना, 120 में 70 से 80 अगर आप ले आते हैं तो आप सेफ में रहिएगा, 60 से 70 के बीच में नए हाँ में आप रह सकते हैं। तो 70 से 80 आपका अगर आ रहा है तो ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार आप सेट लगाइए है ना, सेट लगाइए, जो हम देते हैं इसको भी आप लोग सेट के रूप में लगाइए। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आप खरीदे ही होंगे मार्केट से, नहीं खरीदे कोई बात नहीं है ना, खरीद लीजिएगा, मार्केट में बहुत सारा सेट आपको आ गया होगा, देख लीजिएगा, वहाँ से आप खरीद करके सेट लगा सकते हैं जी, हाँ ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज आपका चैप्टर 7-8 यहाँ पर हो गया, हम कल फिर 3 बजे मिलते हैं, और 3 बजे आपकी होगी कल क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो कल 3 बजे आपको जरूर से जरूर जुड़ना है, जहाँ हम लोग पूरा 200 से 300 सवाल वहाँ पर पूरा रिविजन करते हैं, बहुत मज़ा आता है ना, और वहाँ से बहुत सारे सवाल आपको एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए दोस्तों तो आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जो भी आपका सवाल होगा नीचे अपना पोस्ट कर देना है ना, थैंक यू।